खोराबार क्षेत्र के लहसड़ी गांव में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा साहनी के दामाद की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण बारातियों को घर के गेट के अंदर नाचने से मना करना बताया जा रहा है। गोली मारकर हत्या करने के बाद हमलावर फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हमलावरों के तलाश में जुट गई। हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को लहसड़ी बंधे के पास फोरलेन पर जाम लगा दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जहां एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कैंट प्रभात राय सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा निषाद के दामाद कमलेश निषाद अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ ससुराल में ही रहते थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। इनके पति हैं सर, इनके मित्र हैं। सर कल एक हत्या हुई थी कोराबार थाना क्षेत्र, उसको लेके कुछ लोगों ने जाम लगाया था, क्या था? कोराबार थाना क्षेत्र में कल भूतपुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं शोभा साहनी, जिनके दामाद की हत्या हो गई थी एक बारात में बात को लेकर, उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। आज नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया गया था, तो लोग दाह संस्कार के लिए उसको ले गए थे जंघा अपने मूल पैतृक निवास स्थान पर। कुछ लोगों ने उनकी कुछ मांगे थी, उस मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर कुछ देर तक के लिए जाम लगाया था, उनकी मांगों को सुना गया और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को समाप्त कराया गया।